ओम शांति, ओम शांति। आज के मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का ज्ञान मुरली का पॉइंट आतिश भाई जी सुनाएंगे। प्यारे बाबा आज बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ओम शांति सभी भाई बहनों को, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा, मेरा बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है। बाबा बोले हैं, आज बाबा ने एक बात के लिए विशेष खबरदार देते हुए कहे हैं कि बच्चे तुम्हें नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है जी। फिल्मों की कहानियां देखना व पढ़ना ये सब हम बच्चों के लिए बेकायदे है, इससे नुकसान होता है जी। बाबा बोले हैं, अगर किसी बीके को नॉवेल्स आदि पढ़ते देखते हो तो झट उसे वो लेके फाड़ दो, चाहे वो गुस्सा हो, इसकी डरना नहीं है। वो कोई शराब उराब नहीं दे सकता, उसका कोई परवाह नहीं करो, बाबा ठीक कर देगा सब। बाबा बोले, तुम्हारा काम ही है एक दो को सदा सावधान करो करना। जी। और बाबा बोले हैं, जो बच्चे बच्चिया के बारे में बोले हैं, जो बच्चिया पढ़ाने वाली टीचर है उनमें दे अभिमान नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना टीचर। बाबा ये बात बोले, टीचर दिल में बड़ा उमंग और बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, वही हमें पढ़ाते हैं। बाबा हमें नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे घर जी। अब इस छीछी दुनिया में हमको नहीं रहना है। बहुत अच्छा। यह तो मनुष्य कांटो मिसाल है, सतयुग में फूलों का बगीचा, वहां हमारे नैन भी ठंडक हो जाएंगे। और बाबा बोले हैं, अपनी जांच करो जी। और बाबा बोले हैं, अपनी जांच करो कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं जी। तुम्हें सर्विस का बड़ा शौक होनी चाहिए। मैं मेहनत करनी, सर्विस में मेहनत करनी है, सबको पैगाम देना है जी, युक्ति रचनी है, सबको पैगाम देना है और युक्ति रचनी है। नशे में बताना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। बहुत जी। और बाबा धारणा के लिए बताए हैं, नंबर वन में एम एग्जैक्ट का चित्र सामने रखो, साथ रखना है। नशे में रहे कि हम अभी श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन शीतल हो जाते हैं। दूसरा बाबा बोले हैं, सर्विस बहुत बहुत शौक, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। और बाबा वरदान में बोले हैं, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव जी। इसका विस्तार नंबर वन में मैं पॉइंट नोट किया हूं था जी। संगम पर ऑलराउंडर सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा करते हैं जी। उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर, स्वतः ही प्रसाद प्राप्त हो जाता है जी। बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट क्या स्लोगन जी? भाई जी, स्लोगन था, स्वामान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए अजय भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए भाई जी। आज बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान को अच्छी रीति धारण करके
तब औरों को समझना है, हाँ धारण पहले स्वयं अच्छी करने चीज को धारण कर लेंगे तब दूसरों को बताएंगे। जी। और बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। और बाबा कह रहे हैं कि कोई भी नावेल पढ़ना या फिल्मी कहानियां सुनना, व्यर्थ की किताबों को पढ़ना, इससे बहुत नुकसान होता है, तो जी, ऐसा नहीं करना है। अवस्था पर बहुत प्रभाव और बाबा कह पड़ता रहे हैं कि जी अपनी चेकिंग जो है स्वयं करना है कि है। हम याद की यात्रा से कितना तमो प्रधान से सत्व प्रधान बने हैं, जी, और देह सहित सब संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा समझकर माम एकम याद करना है, और सभी आत्माओं को अपने बाप को याद कराने की सेवा करनी है, बिगड़ टू प्रिंस बनाने की सेवा करनी है। बेगर से प्रिंस बनाने की इस सेवा संगम पर करनी। ही बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम इस दुनिया में अशरीरी ही आए थे और अब अशरीरी बन के जाना है, यही बात सभी को समझाना है। जी जी। भाई जी, और श्री 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 का पॉइंट जो बाबा दिए, दुनिया श्री में श्री एक सारे श्री साधु बाबा ही हैं। श्री लगाते हैं अपने हाँ ऊपर श्री ना, बिल्कुल रॉन्ग श्री है। तो श्री बाबा ही हैं, बाकी तो सब व्यर्थ श्री कोई है ही नहीं इस सृष्टि में, श्री है श्री जी। केवल एक परम पिता ही है, और हाँ वो तो कृष्ण सब श्री देवताएं हैं। जी। जी, और कोई पॉइंट भाई जी? ठीक, बहुत सुंदर ठीक है, ओम शांति। जी, ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ।